हेलो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट हम आपको रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पे। और जो प्रोडक्ट है वो है स्मार्ट BMI वेइंग स्केल। और इस स्केल में आप वजन के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो आप इसमें मेजर कर सकते हैं, और वो सब कुछ आपको करना है एक ऐप के थ्रू। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है Amazon पे, इजीली आपको ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, बट मैंने ये बीट XP का चूज़ किया है। काफ़ी सही प्रोडक्ट मुझे लगा, मैंने यूज़ किया। और पहले ही अगर प्राइस की बात करूँ तो आपको अलग अलग प्राइस पे ये चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे MRP इसने 3000 के करीब का दिया हुआ है, बट ये प्रोडक्ट हमें 900 रुपये का Amazon पे मिला है। बट अगर हायर रेंज में जाओगे तो आपको वहाँ पे 16 एनालिसिस भी देखने को मिल सकती हैं। बट मुझे प्राइस चाहिए था एक नॉमिनल सा प्राइस हो, और साथ में हमें एक जो स्मार्ट वाली चीज़ है, वो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, वो भी मिल जाए। तो वो सब कुछ मुझे इसमें दिखाई दिया, तो मैंने ये मंगवाया और मैंने यूज़ भी किया। काफ़ी सही मुझे रिजल्ट्स इसके लगे, तो वो सब कुछ मैं इसमें आपको बताऊंगा ओपन करने के बाद। साइज़ की अगर बात करें तो साइज़ है इसका 26 सेंटीमीटर बाय 26 सेंटीमीटर। एक स्केयरिश शेप है। और अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम देखते हैं इसमें आपको इसको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या इसमें से निकल के आएगा। आप देख सकते हैं कितना इजीली मैं इसको उठा रहा हूँ। आपको लगेगा कि वेइंग मशीन है तो काफ़ी भारी होगी, बट एक हाथ से वो इजीली उठ रही है। काफ़ी मतलब लाइट वेट ये मशीन है। साथ में 4 सेंसर हैं। इसके साथ आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। ये आपको ऑफर दिया गया है, बट ये यूजुअली यूज़ नहीं हो पाते। और साथ में आपको एक मैनुअल दिया गया है, और थोड़ा सा यहाँ पे कैसे इसको यूज़ करना है वो सब कुछ आपको इसमें दिया गया है। बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले इसके पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक बैटरी है, सेल है, एक्चुअल में दो डलती हैं, एक अंदर की तरफ है। और जो ये सेल है, आप सेल के साथ जो कनेक्शन है वो बंद होगा जब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो आपको उतारना है, वो रैपर आपको उतारना है। उसके बाद ये सेल वापस डाल देना है सेम पोजीशन पे और इसको बंद कर देना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा। आपको पावर ऑन के लिए कोई बटन नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे सिर्फ एक बटन है जो यूनिट चेंज करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बटन सिर्फ यूनिट चेंज करेगा, यानी केजी से अगर पौंड में आपको देखना है तो वो सब कुछ आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। बट हम केजी में ही यूज़ करेंगे क्योंकि वही स्टैंडर्ड यूनिट इंडिया में हम यूज़ करते हैं। तो नीचे हम इस सपोर्ट पर रखते हैं, और ये एंटी स्किड है और बेस काफ़ी सही है। जब एक बार रख देते हैं तो उसके बाद हिलता नहीं है। आपको यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैं जब हम यूज़ करेंगे तब बताऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस में कि मैक्सिमम वेट आप 180 केजी तक ही मेजर कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। और ह्यूमन बीइंग के लिए ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। एक्यूरेसी की अगर इसकी बात करें तो ह्यूमन जो वेट है उस पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और 6 केजी से नीचे यूज़ करने को नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई बेबी को आप यूज़ करना चाहते हैं, बेबी के लिए यूज़ करना चाहते हैं जो 6 केजी से कम है, तो उसके लिए ये सही नहीं है मशीन। 6 केजी से ऊपर ये मशीन काम करती है और अच्छे से काम करती है। उसके बाद अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे टफ एंड ग्लास यूज़ हुआ है, और सेंसर्स हैं हमारे 4, और इन्हीं सेंसर्स पे हमें अपने पांव रखने हैं, सेंसर से बाहर नहीं रखने हैं। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और अगर आप सेंसर से बाहर रखते हो तो रिजल्ट्स में दिक्कत आ सकती है। तो अब डायरेक्टली देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि बाकी सब कुछ उसमें ही कवर हो जाएगा। जो भी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक नहीं बताई हैं वो भी उसमें कवर हो जाएंगी। तो जल्दी से देखते हैं कि प्रोडक्ट यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर जाना है और फिट डेज ये सर्च करना है। ये iOS पे भी अवेलेबल है, और फिट डेज को इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, और उसके बाद इसको ओपन कर देना है। जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको ध्यान रखना है, आपके अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रखना है, लोकेशन ऑन रखनी है। तो ब्लूटूथ और लोकेशन दोनों ऑन रहेंगी, और जो हमारा फिट डेज वाली ऐप है वो हमारी ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ भी स्कैन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो अपने आप कनेक्ट कर लेगा। यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे यूज़र्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे यूज़र्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, और 24 के अराउंड यूज़र ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7-8 यूज़र ऐड किए हैं, और आप ऐड मोर पे भी जा सकते हैं और यूज़र ऐड कर सकते हैं। मैं अपना अकाउंट मेन यूज़र जो मेरा है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और केजीज में मेरा वेट ऑलरेडी दिखा रहा है, और साथ में जो इंडेक्स है, और इंडेक्स में आप देख सकते हैं इतने सारे फीचर्स इसने मुझे दिखाए हैं कि वेट के साथ बॉडी मास इंडेक्स कितना है, बॉडी फैट कितना है, मसल रेट कितना है, फैट फ्री बॉडी वेट कितना होगा, काफी सारे फैट जो हमारी बॉडी में होते हैं उन सभी का परसेंटेज ये दिखाता है। उसके बाद बॉडी वाटर कितना है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बोन मास कितना है, ये सब कुछ बॉडी की जो एज है और जो हमारी एक्चुअल एज है
वो कितना सिमिलर है, क्या वो सेम एज पे है, क्या वो नीचे है, नीचे चलता है, बट वो अगर ऊपर है तो आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे अपनी बॉडी के लिए, और वो चीज़ इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाई देती है। अब मैं एक्यूरेसी नहीं बोल सकता कि इसकी 100% एक्यूरेसी होगी या जो ये बता रहा है वो बिल्कुल सही होगा, बट जितना भी हमने इसको यूज़ किया है वहाँ से समझ में आ रहा है कि जो रिज़ल्ट हम समझ रहे थे कि इस बंदे के ऐसे आने चाहिए वो वैसे ही आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि एक्यूरेसी 100% है कि नहीं, कोई भी हमारे पास तरीका नहीं है कि किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी 100% है या सही है या गलत है, वो सब कुछ जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। बट जो हमने सोचा था कि इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए वो मेजर्स में वैल्यू आ रही है, तो वहां से काफी सेटिस्फेक्शन हुई इस प्रोडक्ट को लेके। दूसरा, वेइंग मशीन के साथ ये थोड़ा फन भी है, हम जब अपने बॉडी के बारे में इतना कुछ जानते हैं, जानने लगते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू, तो काफ़ी फन सी चीज़ हो जाती है वो, और वो उसमें काफ़ी मज़ा आता है, तो वो भी इसमें काफ़ी सही मुझे लगा और पैसा वसूल है। अब हम देखते हैं कि इसमें मेजरमेंट कैसे करनी है। तो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो जैसे अब ये स्विच ऑफ लग रहा है आपको कि यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर चढ़ना है और ये शुरू हो जाएगी मशीन और आपको वेट दिखा देगी। बट ध्यान ये रखना है कि मशीन फ्लैट सर्फेस पे हो। दूसरा, जब आप इस पे चढ़ते हो तो आपको शूज़ वगैरह सॉक्स वगैरह कुछ नहीं पहननी है, आपका जो स्किन है वो इस पे टच होनी चाहिए, वो एकदम से ऑन हो जाएगा। दूसरा, इस सेंसर पे टच होनी चाहिए, दोनों सेंसर्स पे आपको ये स्किन टच होनी चाहिए। उसके बाद आप स्ट्रेट खड़े हो तो आपकी वैल्यू, जो वैल्यू वहां पे है आपके मोबाइल में सेम वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है कि हाँ ये मैं ही हूँ, और जो वैल्यू वहाँ पे है वही सेम वैल्यू यहाँ पे आ गई है। उसके साथ साथ आपकी बाकी सभी जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशंस हैं वो सभी इसमें आ जाती हैं। काफ़ी सही चीज़ मुझे लगा कि हम इजीली इसमें इतना कुछ जान पाते हैं, इतना कुछ देख पाते हैं, और काफ़ी ईजी टू यूज़ है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल करो, आप यूज़र ऐड करो, आप 24 के अराउंड यूज़र्स ऐड कर सकते हैं और उन 24 के अराउंड 13 फीचर्स, बॉडी के 13 फीचर्स आप उसमें मेजर कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले जो कुछ आपको जानना है वो सब कुछ आप तक पहुँच चुका हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हैं।